Let me know. Fine, now I'm visible. So let's just wait for 1 or 2 minutes so that everyone can join. So I'll just share the link with some of you. So let me just see if someone has joined. Audio visual is clear. Okay. Mohit is there, sir. Mohit, I'm very good. Nitish is there. So good evening to both of you. So thank you very much for joining in. Okay, so thank you very much for joining in. So welcome to. So welcome to the course जुलाई टू दिसंबर करंट अफेयर्स. ठीक है, आज हम नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम संजय कुमार सिंह है. आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अन अकेडमी. ठीक है, एंड आई बीन पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. आई हैव आल्सो बीन अ डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर सिविल सर्विसेज एंड डिफेंस एग्जामिनेशन. अन अकेडमी पे आप सब लोग मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हो. 70 कोर्सेज में क्रिएट कर चुका हूँ. 54,000 फॉलोअर्स है अन अकेडमी पे और 1700 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 1800 लेसन आप मान लीजिए मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. 3 अन अकेडमी प्लस कोर्स भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. यहाँ पर आप सेंटर में मुझे देख भी सकते हैं विद सीनियर आर्मी ऑफिसर्स. ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आपके लिए. ठीक है, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आप सबके लिए. ओके, सो लेट मी जस्ट रिप्लाई बैक टू वन मैसेज विच इज कमिंग. Okay, so let's continue the session, guys. So there were certain messages to be answered from the technical sides. तो ठीक है, तो ये वाला जो कोर्स है डायरी ऑफ इवेंट्स 2018, इसको भी मैंने आज पूरा कंप्लीट कर दिया है. तो आपको जनवरी टू दिसंबर 2018 के अगर करंट अफेयर्स देखने हैं तो ये आप देख सकते हैं. यहाँ पर ये पूरा का पूरा कोर्स अब बन चुका है, आप इसको जाकर देख सकते हैं. ठीक है, ओके, एंड द नेक्स्ट इज टॉप एंड मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस. अगर आपको यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इस वाले कोर्स को आप देख सकते हैं. यहाँ पर मैंने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हुए हैं. दिस वुड बी हाईली बेनिफिशियल टू यू गाइस. सिमिलरली कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, इसके अंदर एमसीक्यूज और जो फैक्ट्स वगैरह वाला पार्ट था वो भी सारी चीजें डाल दी है. तो आप इस कोर्स को भी देख सकते हैं. तो आज ये आपका डायरी ऑफ इवेंट्स और जो ये कोर्स है कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है. अंडरस्टैंडिंग मिसाइल सिस्टम, ये तो सारे ऑलरेडी कंप्लीटेड कोर्सेज है. ऑल डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस, लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड वेपन सिस्टम, बाकी ये कुछ और कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं. ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंडिंग BRI प्रोजेक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया एंड साइबर मिलिटेंसी. ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, यूएस चाइना ट्रेड वॉर इट्स इम्प्लीकेशन, सारे कोर्सेज को आप देख सकते हैं. इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपना दे ही दिया है. अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी नवंबर के करंट अफेयर, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन
क्वेश्चंस, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के साथ। तो राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया गया 31 अक्टूबर अक्रॉस द नेशन। अक्टूबर के एंड में आपने वो भी देखा होगा कि जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसको भी लगाया गया, आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टैच्यू था, ठीक है? सो इट मार्क्स द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो गवर्नमेंट इन 2017 डिसाइडेड टू ऑब्जर्व सरदार पटेल जयंती एज एकता दिवस। द ओकेजन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीअफर्म द इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड द रेजिलियंस ऑफ द नेशन टू विदस्टैंड जो यूनिटी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी है, और जो भी हमारे देश के अगेंस्ट सारी चीजें होती हैं, चाहे वो बेसिकली बुरी होती है, जो भी चीजें होती है उसको हमारा देश स्टैंड कर सकता है, रेजिलियंस दिखा सकता है, स्ट्रेंथ है हमारे देश के अंदर, और जो भी थ्रेट्स यूनिटी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट आते हैं उसके खिलाफ हमारे देश में खड़े होने की सशक्तता है, या फिर आप कह लीजिए कैलिबर है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डीएनए सीक्वेंस डीकोडेड। टीम ऑफ यूनाइटेड किंगडम साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड द रिकॉर्ड फॉर डीकोडिंग द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डीएनए सीक्वेंस को डीकोड करा गया है। सो द न्यू होल्डर ऑफ द ट्रॉफी फॉर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डीएनए रीड इज अ टीम लेड बाय मैट लूस एट नॉटिंगम यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो न्यू होल्डर ऑफ ट्रॉफी कौन है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डीएनए रीड मैट लूस साहब है, जिनकी टीम ने नॉटिंगम यूनिवर्सिटी में दुनिया का सबसे लंबा डीएनए सीक्वेंस डीकोड किया है। द साइंटिस्ट प्रोड्यूस्ड अ डीएनए रेड दैट इज अबाउट 10,000 टाइम्स लॉन्गर देन नॉर्मल एंड ट्वाइस एज लार्ज एज प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो इससे पहला जो ये रिकॉर्ड था ये आपके ऑस्ट्रेलिया के पास था, अब ये रिकॉर्ड आपका ऑस्ट्रेलिया से जा चुककर नॉटिंगम यूनिवर्सिटी के पास आ चुका है, और साइंटिस्ट ने ये जो प्रोड्यूस करा है आपकी जो मैट लॉस और उनकी टीम ने, दे हैव प्रोड्यूस्ड अ डीएनए रीड जो करीबन 10,000 टाइम्स नॉर्मल से बड़ा है, ठीक है? नेक्स्ट कम्स योर पलाउ बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन टू सेव कोरल रीफ्स, ठीक है? सो वेस्टर्न पैसिफिक नेशन ऑफ पलाउ हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन मेनी काइंड्स ऑफ सनस्क्रीन, ओके? इन अ मूव टू प्रोटेक्ट इट्स कोरल रीफ्स फ्रॉम केमिकल्स दैट साइंटिस्ट से कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। तो वेस्टर्न पैसिफिक नेशन ऑफ पलाउ हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन मेनी काइंड्स ऑफ सनस्क्रीन इन अ मूव टू प्रोटेक्ट इट्स कोरल रीफ्स फ्रॉम केमिकल्स दैट साइंटिस्ट कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। Under the ban which will take effect in 2020, reef toxic sunscreen defined as containing one of the 10 prohibited chemical unless that could grow later can be confiscated from tourists when they enter the country and retailers who sell it can be fined up to $1,000, ठीक है? तो भाई सनस्क्रीन बैन कर दी गई है क्योंकि सनस्क्रीन से कोरल रीफ्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जो केमिकल्स निकलते हैं सनस्क्रीन से वो कोरल रीफ्स को डैमेज करते हैं, और इसीलिए ये बैन लगा दिया गया जिसको रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन भी बोला जा रहा है, ठीक है? उसके बाद है आपका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। थोड़ी स्पीड ज्यादा रखेंगे ताकि मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर हो। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। सो द प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी विल कम अप आंध्र प्रदेश में आएगी आफ्टर नेसेसरी अमेंडमेंट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, ठीक है? सो इट विल बी सेटअप इन रैली विलेज ऑफ विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर 13th शेड्यूल टू आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी आपके आंध्र प्रदेश में आएगी आफ्टर नेसेसरी अमेंडमेंट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009। इट विल बी सेट अप इन रैली विलेज ऑफ विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में आएगी ये। अब ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है आपकी, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि जो अब सरकार का ट्राइबल्स पर फोकस है, जैसे दो तीन अगर आप देखेंगे नक्सलिज्म को भी अप्रोच करने के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। ये नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस भेज के सिर्फ नक्सलाइट्स को किल करा जा रहा है, दूसरी तरफ नक्सलाइट्स को सरेंडर भी करवाया जा रहा है और मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर भी उनको वापस रिहैबिलिटेट करने की बात करी जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि अब आपके जो फॉरेस्ट एक्ट हो गए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट हो गए, जो भी वहां पर आपके ट्राइबल्स हैं उनके एक्ट को बहुत माइन्यूटली देखा जा रहा है कि वो सफर ना करें। सिमिलरली हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है डेवलपमेंट का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा रीजन था जो गवर्नमेंट बाय दर गवर्नमेंट नजरअंदाज ही रहा है। हाँ, इस अगर हम लास्ट 4-5 साल में देखें तो गवर्नमेंट का काफी फोकस है, स्पेसिफिक फोकस नॉर्थ ईस्ट पे बहुत देखने को मिला है। आप इंडियन साइन कांग्रेस की बात करिए या असम की बात करिए, ब्रिजेस की बात करिए, हालांकि जैसे आपका बोगीबील ब्रिज की बात भी अगर करेंगे तो उसकी फाउंडेशन 1997 में रखी थी एचडी देवगौड़ा ने, बट उस पे काम चालू हुआ 2002 के अंदर जब एनडीए की गवर्नमेंट आई और फाइनली वो बना भी। आप देखिए जब एनडीए की गवर्नमेंट है तो नॉर्थ ईस्ट पे काफी फोकस रहा है इस सरकार का, हालांकि
काफी जगहों पर मात भी खाई है सरकार ने, दे हैव लॉस्ट इट आल्सो, बट दिस इज वन गुड थिंग. एनीवेज, सो मूविंग अहेड, सो बियॉन्ड फेक न्यूज प्रोजेक्ट, सो द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हैज डिवाइज्ड अ न्यू कैंपेन दैट इज एम्ड एट फाइटिंग बैक अगेंस्ट डिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज. तो डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक नया कैंपेन है आपके बीबीसी का. सो इट लेज a major focus on the global media literacy including workshops and debates in countries like India. So, India mein to bahut zyada fake news circulate hoti hai, halanki aajkal to ek layman's language mein bolte bhi hain ki bhai WhatsApp university ke padhe hue to nahi ho, okay, WhatsApp university pe kuch bhi gyan chal raha hota hai aajkal, theek hai, jo forwards WhatsApp pe aate hain. So most highlighted initiative under the project includes in-depth research of funding, sharing online behaviors, rolling out media literacy workshops globally, BBC reality check for upcoming elections. ठीक है, तो in-depth research और funding करी जाएगी, भाई funding कहाँ से आती है आपकी, ठीक है, online behaviors देखे जाएंगे, rolling out media literacy workshop campaigns कि जिसके अंदर आप fake news को ज्यादा से ज्यादा पकड़ सको. ज्यादातर अभी जैसे अभी elections आने वाले हैं आपके 2019 के अंदर, तो आप major political parties को देखेंगे कि वो उनका रसातल में ही चली जाएंगी, मतलब एक से एक घटिया बिहेवियर और फोटोशॉप्ड चीजें आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फर्स्ट एआई न्यूज एंकर डेब्यूज इन चाइना. एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हालांकि अब आपका एंकर इस टाइप का एंकर हमें जी न्यूज का भी चैनल आने, आई थिंक इट्स Z5, जिसके अंदर ये आपके फिजिकल एंकर्स नहीं होंगे, वो भी एआई बेस्ड ही होगा. सो वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर मेड हिज डेब्यू एट द ऑनगोइंग 5th वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस इन ईस्ट चाइना जिनजियांग प्रोविंस. ठीक है, सो ये थोड़ी अच्छी एमसीक्यू ओरिएंटेड न्यूज है. ठीक है, तो एआई न्यूज एंकर हैज अ मेल इमेज विद अ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड एक्शंस ऑफ अ रियल पर्सन. ही लर्न्स फ्रॉम लाइव ब्रॉडकास्टिंग वीडियोस बाय हिमसेल्फ एंड कैन रीड टेक्स्ट एज नेचुरली एज अ प्रोफेशनल न्यूज एंकर. तो आने वाले वक्त के अंदर न्यूज एंकर की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है. ठीक है, क्योंकि भाई ये तो मशीन है, ये कुछ इसके कुछ अपने तो वो नहीं है कि ये कभी बायस तो होगा नहीं, बट ऑब्वियसली अ ह्यूमन टच इज ऑलवेज अ डिफरेंट ह्यूमन टच, बट दिस इज बेसिकली अ मशीन काइंड ऑफ अ रीडिंग, एआई बेस्ड होगा और ये ब्रॉडकास्टिंग वीडियोस को पढ़ भी सकता है, एनालाइज कर सकता है और न्यूज को प्रस्तुत करेगा. सो एआई न्यूज एंकर वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय जिनहुआ एंड चाइनीज सर्च इंजन कंपनी Sogou.com. तो जिनहुआ और Sogou.com लेकर आए हैं इसे. AI anchor has become a member of reporting team and can work 24 hours a day on its official website and various social media platforms, reducing news production cost and improving efficiency. Yeah. अब चलते हैं, तो काफी science and tech आ रहा है लगातार एक के बाद एक. So NASA to send organs on chips to space. So NASA is planning to send small devices containing human cells in a 3D matrix known as tissue chips or organs on chips to International Space Station to test how they respond to stress, drugs and genetic changes. ठीक है, तो यहाँ पर आपके टिश्यू चिप्स इन स्पेस में भेजे जाएंगे. इनिशिएटिव सीक्स टू बेटर अंडरस्टैंड द रोल ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, तो माइक्रोग्रेविटी के ऊपर तो आपका जो गगनयान मिशन है वो भी फोकस करेगा. ठीक है, सो मेड ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक टिश्यू चिप्स हैव पोर्ट्स एंड चैनल्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल्स इनसाइड देम. ठीक है, अगली है आपकी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो समुद्र शक्ति. इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी हैज शेड्यूल्ड बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति. एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू स्ट्रेंथन बायलैटरल रिलेशन, एक्सपैंड मैरिटाइम कोऑपरेशन, एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस. एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है कि जो भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना है इनके बीच में जो बेस्ट तरीके से काम होता है, अगर ए एक्स वाई जेड काम को अलग अलग तरीके से अप्रोच करा जाता है तो दोनों देश बात करेंगे और पता लगाएंगे कि भाई हमारी अप्रोच बेटर है कि आपकी, कि अगर हम दोनों की अप्रोच को मिला दें, अमेलगमेट कर दें और लूपहोल्स को निकाले तो बेटर अप्रोच होगी. इंटर ऑपरेबिलिटी का कहने का मतलब ये होता है कि अगर भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना एक साथ काम करेंगी तो कितनी इजिली काम कर सकती है, उनको एक दूसरे का काम करने का तरीके का पैटर्न भी तो पता होना चाहिए ना. सो द एक्सरसाइज सीक्स टू प्रमोट इंडियन सॉलिडारिटी विद इंडोनेशिया टुवर्ड्स इंश्योरिंग गुड ऑर्डर इन द मैरिटाइम डोमेन एंड टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स बिटवीन द नेवीज ऑफ द टू नेशंस. ठीक है गाइस, सो आई होप, लेट मी जस्ट चेक इफ देयर इज एनी कमेंट एंड ऑल.
ठीक है। सो आई होप सबको सारी चीजें समझ में आ रही हो अब तक। सो एम्बेसडर ऑफ कॉन्शाइंस अवार्ड, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हैज स्ट्रिप्ड म्यांमार लीडर ऑंग सान सू की ऑफ इट्स हाईएस्ट ऑनर, एम्बेसडर ऑफ कॉन्शाइंस अवार्ड। बेसिकली अवार्ड उनसे छीना गया क्योंकि रोहिंग्यन क्राइसिस के ऊपर आपकी आंग सांग सू की मुंह पर चुप्पी बांधकर बैठी रही, ठीक है, और रोहिंग्यास का डेसिमेशन समझ लीजिए, उनका जेनोसाइड उनके सामने होता रहा। सो ऑफ द हाईएस्ट ऑनर एम्बेसडर ऑफ कॉन्शाइंस अवार्ड ओवर आर इन डिफरेंस टू द एट्रोसिटीज कमिटेड बाय म्यांमार मिलिट्री अगेंस्ट एंड इंक्रीजिंग इनटॉलरेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो म्यांमार में रोहिंग्यास के साथ बहुत ही बदतर सलूक, भी कहना बहुत ही छोटा शब्द होगा, उनका जेनोसाइड करा गया है, घेटोआइजेशन करा गया है रोहिंग्यास पे। तो मैं कितनी बार स्पेशल सेशन भी ले चुका हूँ। सो द एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप नेम्ड सूकी एज इट्स 2009 एम्बेसडर ऑफ कॉन्शाइंस अवार्ड रिसिपियंट व्हेन शी वाज स्टिल अंडर द हाउस अरेस्ट फॉर हर ओपोजिशन टू म्यांमार ऑपरेसिव मिलिट्री। तो एक टाइम तक वो ऑपरेसिव मिलिट्री के अगेंस्ट फाइट करती थी, बट आज आप देखिए कि जब वही ऑपरेसिव मिलिट्री ने रोहिंग्यास को एक घेटोआइजेशन एक कोने में ले जाकर मारा, एंड देवर रेप्स, देवर किलिंग्स, और इतना ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हुआ आपके रोहिंग्यास का, वो देश छोड़ के भागे अलग अलग देश, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, साउथ ईस्ट एशिया, काफी सारे तो बोट में ही डूब गए, ठीक है। तो इनके साथ काफी बुरा व्यवहार करा गया है म्यांमार में, और आज भी ये अपनी सिटीजनशिप के लिए भटक रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि म्यांमार के ऊपर काफी प्रेशर इंटरनेशनली क्रिएट कराया गया है। सो हाउएवर कंसिडरिंग हर फेलियर टू स्पीक आउट एंड हर शील्डिंग ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी फॉर वायलेंस अगेंस्ट रोहिंग्या, ऑर्गेनाइजेशन ने जो बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार दिया था, यानी एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइन का पुरस्कार अवार्ड दिया था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आंग सांग सूकी को, उसे वापस स्ट्रिप ऑफ कर दिया है, उसे वापस आंग सांग सूकी से छीन लिया है। तो ये सिर्फ थोड़े वक्त की बात है कि आने वाले वक्त के अंदर, हालांकि अभी तक उनसे नोबेल प्राइज नहीं छीना गया है, बट हु नोज दैट दैट माइट बी स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रॉम हर, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन November 12, 2018। सो द डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर टू कमेमोरेट द फर्स्ट एंड लास्ट विजिट ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी टू स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन 1947। इसलिए इसे क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी आपके AIR गए थे 1947 के अंदर, इसीलिए 12 नवंबर 1947 को गए थे, इसलिए 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेट कराता है। महात्मा गांधी हैड ऑन November 12, 1947 विजिटेड द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो टू एड्रेस द डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान हु वर टेम्पररी सेटल्ड इन कुरुक्षेत्र हरियाणा आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये बेसिकली उस वक्त राइट्स का टाइम था, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी इंदिरा 2018 एक्सरसाइज। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड रशियन कॉम्बैटिंग इंसर्जेंसी अंडर द मैंडेट और अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। द लेटेस्ट एडिशन इज बीइंग कंडक्टेड एट बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस एंड बबीना मिलिट्री स्टेशन। एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू प्रैक्टिस जॉइंट प्लानिंग एंड कंडक्ट टू एनहांस इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ द टू आर्मीज इन अ पीस कीपिंग एनफोर्समेंट एनवायरमेंट अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस। The focus upon training or enhancing team building, special tactical level operations such as cordon and search, house intervention, handling and neutralization of improvised explosive devices, and integrated employment of force multipliers. ये सारी चीजें करी जाएंगी। तो ये latest edition आपका बबीना field firing range में करा गया। Aim exercise का joint planning और conduct। तो interoperability का मतलब यही होता है कि कल को भारत और रशिया की आर्मी को साथ में काम करना पड़े तो काम करने का तरीका आना चाहिए और एक साथ सीमलेसनेस के साथ ऑपरेशंस को ही इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है, और दुश्मन को या फिर जो भी इंटेंडेड टारगेट है उसे पूरा करा जा सके, ठीक है। उसके बाद है पावर ऑफ 18 कैंपेन, हैशटैग पावर ऑफ 18 कैंपेन, ठीक है, हैशटैग ध्यान में रखना आप, ठीक है। सो इट इज अ कैंपेन लॉन्च बाय ट्विटर इंडिया एम्ड एट इनकरेजिंग यूथ टू कॉन्ट्रीब्यूट इन पब्लिक डिबेट्स एंड पार्टिसिपेट इन सिविक एंगेजमेंट फॉर द 2019 जनरल इलेक्शन। The campaign will serve as a resource for young Indians to find more information
अबाउट इलेक्शन सपोर्ट सोशल कॉजेज दे आर पैशनेट अबाउट एंड ज्वाइन पब्लिक कन्वर्जेशन। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव ट्विटर इंडिया के द्वारा। तो बेसिकली कि जितने भी यूथ है उनको इंगेज करने की कोशिश करी जाएगी पब्लिक डिबेट्स में, सिविल इशू में, सिविक इंगेजमेंट में, और खासकर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक यू शुड डू पार्टिसिपेट इन दिस कैंपेन, फॉर दैट मैटर एनी अदर एग्जामिनेशन। अपना आप थोड़ा बहुत पॉलिटिकली आपको पता भी होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, सोशल कॉजेस तो आपको पता ही होनी चाहिए, वो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और इस कैंपेन को कौन चला रहा है? ट्विटर इंडिया। ठीक है, अगला है आपका, यूपी कैबिनेट अप्रूव्स रीनेमिंग ऑफ फैजाबाद एज अयोध्या, अलाहाबाद एज प्रयागराज। ये तो आप सबको पता ही होगा। सो लेट मी जस्ट चेक अगर कुछ कमेंट आई है तो। ओके नाउ आई सी अराउंड 6 पीपल, प्रीति, डिंपल, हाय टू देम, रजत हाय, अर्पण फ्री फिटनेस हाय। हाँ बिल्कुल सही कहा अर्पण, मोस्ट एक्सरसाइज यूएन मैंडेट के अंडर ही होती है, बिल्कुल सही कहा। आप सबको मेरी आवाज और वीडियो विजिबल है, सारी चीजें क्लियर है और समझ में आ रही है? इफ एनीबडी कैन कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। तो प्लीज डू कमेंट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि योगी जी की सरकार ने हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ फैजाबाद और अयोध्या का नाम, फैजाबाद और अलाहाबाद का नाम बदल के अयोध्या, और अलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। नाउ द प्रपोजल विल नाउ गो टू द सेंट्रल बिफोर द सिटी इफ इज ऑफिशियली रीनेम। जस्टिफिकेशन फॉर द नेम चेंज, अलाहाबाद एंशिएंट नेम वॉज प्रयाग बट वॉज चेंज आफ्टर द सेकेंड सेंचुरी मुगल एम्परर अकबर बिल्ट फोर्ट नियर संगम, द होली कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स गंगा यमुना एंड सरस्वती, अकबर नेम्ड द फोर्ट एंड इट्स नेबरहुड इलाहाबाद। ठीक है, तो लेटर अकबर ग्रैंडसन शाहजहां रीनेम द एंटायर सिटी एज अलाहाबाद, बट द एरिया नियर संगम द साइट ऑफ कुंभ मेला कंटिन्यूज टू बी नोन एज प्रयाग। अब तो वापस नाम इनका रख के प्रयागराज हो गया है। सो अयोध्या हैज बीन एसोसिएटेड विद लॉर्ड राम एंड इट्स नोन एज हिज बर्थ प्लेस। अयोध्या हैज बीन द कैपिटल ऑफ वेरियस डायनेस्टीज इंक्लूडिंग इक्ष्वाकु डायनेस्टी ऑफ विच लॉर्ड राम इज अ डिसेंडेंट। तो एक टाइम था जब माइथोलॉजिकल क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछता था, आजकल आ नहीं रहे, वी नेवर नो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का टाइम चल रहा है तो वापस देखने को मिले। अगर पूछा जाए भगवान राम कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं तो वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी है। ये थोड़ा अच्छा फैक्ट है जो पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, और ये वाला भी कि भाई अलाहाबाद का एंशिएंट नेम तो प्रयाग ही था, कि अगर आप अलाहाबाद का भी एसएसबी देने गए होंगे तो आपको पता लग जाएगा प्रयाग हर कोई घूमने जाता है। ठीक है, 16th सेंचुरी मुगल एम्परर अकबर बिल्ट फोर्ट नियर संगम। ठीक है, उसके बाद है आपका पॉइंट कॉलिमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो पॉइंट कॉलिमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेद्रनायम रेंज हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ वीक इन व्यू ऑफ वाटर लॉगिंग कॉज्ड बाय हैवी स्पेल ऑफ रेनफॉल। तो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गई है पॉइंट कॉलिमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो वेद्रनायम रेंज के अंदर आती है। ठीक है, तो स्टडी नोट्स द वाटर क्वालिटी ऑफ पॉइंट कॉलिमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माइट बी अनसेम फॉर एविफोना टू फीड एंड ब्रीड। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ 30 स्क्वायर मीटर, कंप्राइजेस सैंडी कोस्टल सलाइन स्वैम्स एंड थ्रॉन स्क्रब्स अराउंड द बैकवाटर। इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड रामसर साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी लोकेशन देखना भाई, पॉइंट कॉलिमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में पड़ती है? वैसे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा ही हुआ है नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में पड़ती है, रामसर साइट पढ़ लेना प्रोटेक्टेड एरिया, और ये आप देखना कि एविफोना, अभी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि एविफोना किससे रिलेटेड होता है, इज इट रिलेटेड टू बर्ड्स और इज इट रिलेटेड टू समथिंग एल्स। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बताओ इस शब्द का मतलब क्या है, AVIFAUNA, एविफोना। ठीक है, तो द पॉइंट कॉलिमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हार्बर्स द सिंगल लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ यूनिक ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये भी पूछा जा सकता है भाई कौन सा फॉरेस्ट है। सो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द कंट्री बिसाइड ओपन ग्रासलैंड्स एंड टाइडल मड फ्लैट्स इन द इंटरेस्ट टू टूरिस्ट।
around 100 species of birds, including greater flamingo, painted stork, little stink, seagull, and brown-headed gull have been making their presence felt since September. Black buck, antelope, cervicapra is the flagship species of the century. This is very, very important, ladies and gentlemen. ये चीज़ पूछी जा सकती है भाई, flagship species क्या है sanctuary की? Black buck है, जिसका scientific name है antelope cervicapra, ठीक है? Other important animals are spotted deer, black napped hare, wild boar, Indian jackal, feral horses, palm civet, शॉर्ट नोज फ्रूट बैट, जंगल कैट एंड मॉनिटर लेजर्ड. अगर इस स्लाइड के अंदर आपको किसी जानवर का नाम आपने सुना ही नहीं है, एक बार गूगल करके जरूर देख जरूर लेना कि ये दिखता कैसा है. फिर नाम थोड़ा ना आसानी से याद हो जाता है, ऐसे सिर्फ रटने से नहीं होगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट है आपका MCGS हरावे. So, Maldivian Coast Guard Harawe has been successfully completed her rift at the Naval Dockyard Vishakhapatnam and ship was formally handed over to Maldives recently. अब जब से अब्दुल्ला अमीन सरकार को तो टाटा बाय बाय हो गया, पढ़ा था हमने डीएनए में कितनी बार. अब आ गए मोहम्मद सोली साहब, मोहम्मद सोली साहब विस्क, और मोहम्मद सोली साहब और जो आपके पुराने नशीद थे वो भारत के अच्छे मित्र थे, और मोहम्मद सोली साहब ने भी भारत के साथ मित्रता को और मजबूत करने की बात करी और चाइना को ऐसा अंगूठा नीचा दिखा दिया है उन्होंने. ठीक है कि भाई, और चाइना को ये भी बोला है कि आपके साथ जो पैक्ट करा था, जो रातों रात साइन हुआ था, उसको भी हम खारिज कर सकते हैं. सो MCGS हुरावे वाज ओरिजिनली कमीशनड एज INS तेलाचंग, अ ट्रिंकेट क्लास पेट्रोल वेसल बिल्ट बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता. अब ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड कोलकाता, ये ध्यान में रखना, ये कोलकाता में. ऐसे आपके एक शिप बिल्डर मोरमागांव में भी है, वो देखना आप. ठीक है, सो गोवा के अंदर अगर कोई है तो वो भी चेक करना, ये थोड़ा होमवर्क है. ठीक है, इन मार्च 2001 एंड सब्सिक्वेंटली गिफ्टेड टू मालदीव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2006 टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशन एंड वर्क टुगेदर टू इंश्योर मैरिटाइम सेफ्टी, हो गया पायरेसी वगैरह को रोकने के लिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेरी ब्लॉसम. तो इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड, रादर अब तो ये खत्म हो गया है, 14th नवंबर टू 17th इन शिलोंग मेघालय. The festival is the world's only autumn cherry blossom festival. दुनिया में एक लौता है ये. The festival is organized by Government of Meghalaya's Forest and Environment Department as well as by Institute of Bio Resources and Sustainable Development in collaboration with Indian Council for Cultural Relations. ठीक है, एम क्या है फेस्टिवल का, इज टू सेलिब्रेट द यूनिक ऑटम फ्लावरिंग ऑफ हिमालयन चेरी ब्लॉसम्स. तो चेरी ब्लॉसम का एक बार फोटो जरूर देख लेना गूगल पे जाकर. तो चेरी ब्लॉसम ट्री फ्लावर्स ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन एन ईयर, और उसी टाइम पे इसको इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कराता है. सो फेस्टिवल विल शोकेस फुल पिंक एंड व्हाइट चेरी ब्लॉसम्स फाउंड ऑल अलोंग द रोड साइड ऑफ द फेमस वार्ड लेक. ठीक है, सो अलोंग द फेस्टिवल विल ऑल्सो शोकेस द रीजन्स फूड, हो गया वाइन, क्राफ्ट इन एडिशन विद 7 कल्चरल इवेंट्स. तो पिछले साल का तो मिस हो चुका है, अगर आपको जाना है तो आप अगले साल वाला घूमने जरूर जा सकते हैं. तो लेट मी जस्ट चेक कमेंट्स कि अगर आपने कुछ डाला है तो कि नहीं. सो सम तो इंडसइंड बैंक लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इंटरएक्टिव क्रेडिट कार्ड विद बटन्स. What is a Ramsar site? Ramsar site is a wetland site designed to be. अच्छा ठीक है, मोहित ने आंसर करा है. ठीक है, birds of a particular region. Dipal ने बिल्कुल सही कहा है, avia fauna का मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, तो भाई ये पहला इंटरक्टिव क्रेडिट कार्ड आया जिसमें बटन्स लगे होंगे. सो द बैंक लॉन्चेस द इंडियाज फर्स्ट इंटरक्टिव क्रेडिट कार्ड विद बटन्स. द कार्ड एम्पावर्स कस्टमर्स विद अ चॉइस ऑफ पेमेंट ऑप्शन सच एज EMI, रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ क्रेडिट एट द पुश ऑफ अ बटन एट द पॉइंट ऑफ सेल. The card has been created in partnership with Dynamics Incorporation,
which is headquartered in Pittsburgh, USA, and designs and manufacture intelligent battery powered payment cards. तो ये देखिए बटन वाला क्रेडिट कार्ड भी आ गया है, ठीक है। आगे आपका बर्नार्ड स्टार भी, तो एस्ट्रोनॉमर्स हैव डिस्कवर्ड अ फ्रोजन प्लैनेट विद अ मास ओवर 3 times दैट ऑफ अर्थ ऑर्बिटिंग द क्लोजेस्ट सॉलिटरी स्टार टू द सन, ठीक है। तो भाई एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर करा एक फ्रोजन प्लैनेट है जिसका मास अर्थ के 3 times से ऑर्बिट कर रहा है क्लोज सॉलिटरी स्टार टू द सन। द पोटेंशियली रॉकी प्लैनेट इज अ सुपर अर्थ एंड ऑर्बिट्स अराउंड इट्स हॉट स्टार वंस एवरी 233 days। तो ये वाली इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुपर अर्थ वाली इंपॉर्टेंट है और ये वंस एवरी 233 days है। सो द प्लैनेट लाइज एट अ डिस्टेंस रीजन फ्रॉम अ स्टार नोन एज स्नो लाइन, सो दिस इज अ वेल बियॉन्ड द हैबिटेबल जोन इन विच लिक्विड वाटर एंड पॉसिबली लाइफ कुड एग्जिस्ट, ठीक है। प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी -170°C, तो यहाँ पे रहना खाना असंभव है, ठीक है। हाउएवर इफ द प्लैनेट हैज सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कुड बी हायर एंड कंडीशन पोटेंशियली हॉस्पिटेबल हो पाएंगी, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा हमें, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, अभी तो -170°C में, सो वी नीड टू फर्स्ट गेट इट समवेयर अराउंड 20° के आसपास लेकर आ जाए। वैसे तो 4-5 degrees में भी हम रह सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटेबल और हैबिटेबल एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है। सो द बर्नार्ड स्टार बी इज द सेकेंड क्लोजेस्ट नोन एक्सोप्लैनेट टू आर सन, सो द क्लोजेस्ट लाइज जस्ट ओवर 4 light years फ्रॉम अर्थ। द एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा बी ऑर्बिट्स अराउंड द रेड ड्वार्फ प्रोक्सिमा सेंचुरी, पता नहीं कितनी बार ये सवाल यूपीएससी पूछ चुका है पहले, ठीक है। अगला है आपका सेंटर एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सो, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो 26th edition ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MoSPI इन कोलाबोरेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सो कॉक्सो इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिशियंस टू, कि भाई एक तरीके की कॉन्फ्रेंस है जहां पर वो अपनी व्यूज वगैरह डिस्कस कर सकते हैं और भाई स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में क्या चल रहा है वो सारा काम धाम होता है इसमें, ठीक है। सो थीम ऑफ 26th कॉन्फ्रेंस वॉज क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। भाई वर्ल्ड टॉयलेट डे आ गया, अब तो टॉयलेट पे तो पिक्चर ही बन गई है इंडिया में। सो इन 2013 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑफिशियली डेजिग्नेटेड November 19th एज द वर्ल्ड टॉयलेट डे। इट इज वर्ल्ड टॉयलेट डे इज कोऑर्डिनेटेड बाय यूएन वाटर इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड पार्टनर्स। प्रीवियसली वर्ल्ड टॉयलेट डे वॉज एस्टैब्लिश बाय वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन इन 2001। अब भाई यूएन के अंडर है, UNGA ने करा है 19 November को, ठीक है। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज अ डे टू डे इज अ डे रेज अवेयरनेस एंड इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस अ टॉपिक ऑफन नेग्लेक्टेड एंड श्राउडेड इन द टैबूज। बिल्कुल सही है, आप देखिए कि आजादी के बाद भी आप देखिए, चाहे आप मेंस्ट्रुएशन की बात करें या फिर आप पैडमैन मूवी आ गई उसके ऊपर, तो या आप टॉयलेट की बात करें, अभी भी देश के अंदर देश की आजादी के बाद आप सोच लीजिए स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ा, ओपन डेफिकेशन को रोकने के लिए टॉयलेट बनाने पड़ रहे हैं सरकार को, कि अभी भी मतलब पिछले साल हमने 72nd इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, सो 72 years हो गए हैं आजाद हुए और आज भी टॉयलेट का इशू है हमारे देश के अंदर। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो वर्ल्ड टॉयलेट डे जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता फैले कि भाई क्लीन रहे, टॉयलेट जरूर बनाए, ठीक है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है, इट एम्स टू इंश्योर दैट एवरीवन हैज अ सेफ टॉयलेट एंड नो वन प्रैक्टिस ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिकेशन का मतलब है खुले में शौच ना करना, खुले में शौच करना को ओपन डेफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओपन डेफिकेशन को रोकने के लिए ही आपका ये स्वच्छ भारत अभियान, जिसके अंदर एक रूरल है और एक अर्बन है, रूरल में टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए। सो बाय 2030 है SDG, तो आपका 2015 से लेकर 2030 तक का पीरियड है, इसलिए टारगेट 2030 भी बोलते हैं इसे हम। SDG बेसिकली आपके जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे वो 2015 में खत्म हो गए थे, तो उनको रिप्लेस करके आपका SDG आया था, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। सो फेलियर टू अचीव दिस गोल रिस्क द एंटायर 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पढ़ रहा है ना सब कुछ,
ठीक है। तो नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट हॉस्पिटल ओपन्स इन मथुरा। मथुरा के अंदर इंडिया का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल खुलता है मथुरा के अंदर। सो इंडियाज फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर एलिफेंट हैज बीन फॉर्मली ओपन्ड इन मथुरा। द यूनिक मेडिकल सेंटर ऑफर्स वायरलेस डिजिटल एक्सरे, लेजर ट्रीटमेंट, डेंटल एक्सरे, थर्मल इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, हाइपोथेरेपी एंड क्वारंटाइन फैसिलिटीज। लेट मी जस्ट चेंज दिस। ठीक है। सो लोकेटेड क्लोज टू द एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर द हॉस्पिटल इज डिजाइन टू ट्रीट इंजर्ड सिक और जेरियाट्रिक एलिफेंट्स एंड इज इक्विप्ड विद मेडिकल होस्ट फॉर लिफ्टिंग एलिफेंट्स एज ऑल्सो एन एलिफेंट रिस्ट्रेनिंग डिवाइस विद अ डेडिकेटेड इंडोर ट्रीटमेंट इंक्लोजर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मेडिकल प्रोसीजर। तो पहला एलिफेंट हॉस्पिटल भी बन गया है आपका। ठीक है। तो इंसानों के लिए तो अस्पताल बनाए ही गए थे, अब हाथी के लिए भी हॉस्पिटल बनाया गया। मेडिकल स्पेशल मेडिकल केयर दी जाएगी, डिजिटल एक्सरे, लेजर ट्रीटमेंट, डेंटल एक्सरे, थर्मल इमेजिंग, अल्ट्रासोनोग्राफी, हाइड्रोथेरेपी एंड क्वारंटाइन फैसिलिटीज दी जाएंगी। ठीक है। उसके बाद पंजाब बिकम्स थर्ड स्टेट टू बैन हुक्का बार्स और लॉन्जेस। पंजाब को तो बहुत काम करना है ड्रग्स के ऊपर। ठीक है। सो दिस इज आई थिंक वन स्टेप टूवर्ड्स इट। सो पंजाब हैज बिकम द थर्ड स्टेट इन द कंट्री आफ्टर महाराष्ट्र एंड गुजरात टू बैन हुक्का बार और लॉन्जेस। ठीक है। लॉन्च को बंद करा गया है। सो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन हिज एसेंट टू द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन पंजाब अमेंडमेंट बिल 2018। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ टू चेक यूज ऑफ टोबैको इन वेरियस फॉर्म्स एंड प्रिवेंट डिजीजेस कॉज्ड बाय यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। उसी के मद्देनजर रखते हुए पंजाब ने भी हुक्का बार लॉन्च के ऊपर लगा दिया है ठप्पा, यानी कि बंद। ठीक है। अगला है आपका एयर सेवा 2.0। गवर्नमेंट हैज लॉन्च द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एयर सेवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप भी आ गया है इसका नया। ठीक है। सो मेजर इंप्रूवमेंट, मतलब ऐप कहने का मतलब है बेटर वो 2.0 ऐप। ठीक है। सो मेजर इंप्रूवमेंट इंक्लूड फीचर्स ऐड करी गई हैं, सिक्योर साइन अप, लॉग इन विद सोशल मीडिया, चैट बॉट फॉर ट्रैवलर सपोर्ट, इंप्रूव ग्रीवेंस मैनेजमेंट कि भाई आपको दिक्कत है कुछ ऐप वगैरह से तो आप लिख सकते हो, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया ग्रीवेंसेस हो गए, रियल टाइम फ्लाइट स्टेटस एंड डिटेल्स फ्लाइट स्केड्यूल। सो अपग्रेड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एयर सेवा ऑपरेट्स थ्रू एन इंटरक्टिव वेब पोर्टल एज वेल एज थ्रू अ मोबाइल ऐप फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म्स एंड विल ऑफर पैसेंजर्स अ कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री एयर ट्रैवल एक्सपीरियंस। ठीक है। सो द वेब पोर्टल एंड एप्लीकेशन विल हेल्प टू कैप्चर एयर ट्रैवलर्स फीडबैक फॉर पॉलिसी इंटरवेंशंस। नेक्स्ट है आपका CSE gets 2018 इंदिरा गांधी प्राइज। ठीक है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE, द न्यू दिल्ली बेस्ड इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड एडवोकेसी थिंक टैंक है आपका, हैज बीन नेम्ड द रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टीजियस इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2018। ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट ये क्वेश्चन UPSC पूछ भी चुका है, अलग अलग साल दिए थे उन्होंने और पूछा था भाई किस में किसको मिला था और यहाँ पर लोगों के नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। ठीक है। So established in 1980 under the leadership of late Anil Agarwal and presently headed by Sunita Narayan CSE, Center for Science and Environment has been working for the last four decades to incorporate environment sustainability into development policies. Okay. So it has worked on extending awareness and education about environmental issues on air and water pollution, wastewater management and industrial pollution, food safety and energy, climate change and above all, influencing official policy and public action for sustainable development. ठीक है। So award is accorded annually by the trust to individual or organization in recognition of their creative efforts towards promoting international peace, development and new international economic order, ensuring scientific discovery are used for larger good of humanity and enlarging the scope of freedom. तो इसके तहत आपके सीएसआर को मिला है अवार्ड, बेसिकली रिकग्नाइज करता है भाई इंडिविजुअल और इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, किसी एक सिंगल बंदे को भी मिल सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है कि भाई उन्होंने इंटरनेशनल पीस पर कितना काम करा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पर कितना काम करा है। मान लिया जाए कल को कोई जना है और वो US चाइना ट्रेड वॉर्स के अंदर प्रॉब्लम को सुलझा दे तो उसको भी मिल सकता है ये। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, स्कोप ऑफ फ्रीडम। ठीक है। Let me just have some water.
ओके तो समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? ओके सो मयंक का एक जेन्युइन प्रॉब्लम है. सो मयंक व्हाई डोंट यू सेंड मी अ मैसेज ऑन द अनअकैडमी ऐप, बिकॉज यहाँ पे यूट्यूब पे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा आपकी क्वेरी का. सो प्रोबेबली यू नो आई कैन शेयर माई प्रोफाइल लिंक. ठीक है, आई कैन शेयर माई प्रोफाइल लिंक और यू कैन सेंड मी अ रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक और कनेक्ट विद मी ऑन सोशल मीडिया. सो आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेरी ऑफ योर्स. इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेरी. ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. आप अनअकैडमी के मैसेजर के थ्रू आप मुझे एक मैसेज भेज दीजिए या कमेंट कर दीजिए. सो आई ट्राई टू हेल्प यू गाइस. और यू कैन ऑलवेज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आप यहां पर देख रहे हो फिर ऑलरेडी फॉलोइंग मी, से दे कैन ऑल्सो गाइड यू अप. ठीक है, सो रशिया इग्ला एस मिसाइल सिस्टम. सो इंडियन आर्मी हैज पिक्ड रशियाज इग्ला एस मिसाइल सिस्टम एज द चॉइस फॉर इट्स मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स. ठीक है, सो इट इज द लेटेस्ट मॉडल ऑफ रशियन मैन पैड्स मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी. दो यूएस भी काफी कंपीट कर रहा था मैन पैड सिस्टम के लिए. ठीक है, कि वो हमें बेचे. सो इट उनके सिस्टम का नाम अलग है. सो इट ऑफर्स सुपीरियर परफॉर्मेंस ओवर अर्लियर सप्लाइड SA-18 मिसाइल्स टू इंडिया. सो इट इज डिजाइन फॉर यूज अगेंस्ट द विजिबल एरियल टारगेट्स एट अ शॉर्ट रेंज सच एज टैक्टिकल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, अनमैंड एरियल व्हीकल्स, क्रूज मिसाइल्स हेड ऑन और डिसीडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड क्लटर एंड काउंटर मेजर्स. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इट विल हैव मैक्सिमम रेंज ऑफ 6 किलोमीटर. ऑल्टीट्यूड होना चाहिए 3 किलोमीटर, यानी हाइट 3 किलोमीटर की होनी चाहिए, रेंज 6 किलोमीटर की. अलॉन्ग विद ऑल वेदर केपेबिलिटी, यानी कि सर्दी गर्मी रात मतलब सर्दी गर्मी और बारिश हो रही हो हर जगह पर ये मिसाइल चल सके आपकी. ठीक है, सो इग्ला एस मिसाइल सिस्टम विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इग्ला इन सर्विस विच इज इन अर्जेंट नीड ऑफ रिप्लेसमेंट. तो न्यू स्पीशीज ऑफ इंडियन हॉर्न फ्रॉग्स फ्रॉम हिमालयन रीजन. सो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 4 नई स्पीशीज मिली है इंडियन हॉर्न फ्रॉग्स की हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. हॉर्न फ्रॉग्स गेट देयर नेम फ्रॉम द फ्लेशली हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन ऑन अपर आईलेट्स, तो आंखों की पलकों के ऊपर ऑफ सम स्पीशीज. ठीक है, सो दे वर डिस्कवर्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश. साइंटिस्ट हैव नेम्ड देम हिमालयन हॉर्न फ्रॉग, मेगोफायरस हिमालयाना, गारो व्हाइट लिप्ड हॉर्न फ्रॉग, मेगोफायरस ऑरियोक्रिप्टा, येलो स्पॉटेड व्हाइट लिप्ड हॉर्न फ्रॉग, मेगोफायरस फ्लेवी पंक्टेटा. तो ये थोड़े साइंटिफिक नेम है. ठीक है, जायंट हिमालयन हॉर्न फ्रॉग, मेगोफायरस पेरियोसा. अगला है आपका वज्र प्रहार. ठीक है, वज्र प्रहार आपके इंडो यूएस स्पेशल फोर्सेस ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड ऑल्टरनेटिवली इंडिया एंड यूएस. तो 2018 एडिशन ऑफ एक्सरसाइज हैज कमेंस्ड. तो ये नवंबर के महीने में स्टार्ट हुई एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो बीकानेर के अंदर है राजस्थान के अंदर. एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू प्रमोट मिलिट्री रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज बाय एनहांसिंग. अब इंटर ऑपरेबिलिटी तो मैंने इतनी बार बोल सुना दिया इस लेक्चर के अंदर और पिछले क्या बोलते हैं पिछले 4 लेक्चर्स में भी आपको सुना चुका हूँ. ठीक है, सो ये आज हमारा 5वां लेक्चर है, कल हमारा लास्ट लेक्चर है दिसंबर का. सो एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टैक्टिक्स बिटवीन स्पेशल फोर्सेस. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द जॉइंट ट्रेनिंग इज टू शेयर द बेस्ट प्रैक्टिस बिटवीन द टू आर्मीज एंड टू डेवलप जॉइंट स्ट्रैटेजीज बाय शेयरिंग एक्सपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग ऑपरेशन इन अ काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म एनवायरमेंट. तो वही काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म में काम होगा, इसके अंदर भी उसी चीज पर काम हुआ. ठीक है, आपका महात्मा गांधी स्टैचू अनवील्डेड इन सिडनी. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अनवील्डेड अ स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी एट द जुबली नेशनल पार्क इन द टाउन ऑफ पैरामाटा सिडनी. ठीक है, सो द अनवील्डिंग ऑफ द स्टैचू इज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द 150th एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो वुमेन एम्पावरमेंट रेजोल्यूशन कैंपेन. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड
एम्पावरमेंट रेजोल्यूशन कैंपेन टू डेवलप लीडरशिप कैपेसिटीज इन वुमेन एंड मेक देम वोकल फॉर देयर राइट्स. सो द पर्पज ऑफ द कैंपेन इज टू इंश्योर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स इन द स्टेट. अंडर इट द वुमेन एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल गो टू देयर हाउस टू नो अबाउट स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय सेंटर एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फॉर वुमेन. ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट रेजोल्यूशन कैंपेन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा. तो इसके अंदर एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन जैसे मुद्दों पर कैंपेन चलाया जाएगा और लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा. एडमिरल सुनील लांबा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ टू विजिट रशिया. ठीक है, सो इंडिया, तो आपके सुनील लांबा साहब रशिया जाएंगे. सो इंडिया रशिया मैरिटाइम एक्सरसाइज टू कंसोलिडेट बायलैटरल डिफेंस रिलेशन विद रशिया एंड टू एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज फॉर डिफेंस कोऑपरेशन. सो इंडियन नेवी एंड रशियन फेडरेशन नेवी कोऑपरेट्स ऑन मेनी एस्पेक्ट्स लाइक ऑपरेशनल इंटरेक्शन, ट्रेनिंग, हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स थ्रू द मीडियम ऑफ नेवी टू नेवी स्टाफ टॉक्स होती है भारत और रूस की नेवी के बीच में. ठीक है, so just a sec guys, if there is any comment which I need to answer. ठीक है, so एडमिरल सुनील लांबा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ टू विजिट रशिया. ठीक है, तो ये तो हमने देख ली. ठीक है, ये लास्ट लाइन है, इसको भी देख लेते हैं. तो दे बोथ हैव कंडक्टेड बायलैटरल इंडियन नेवी इंडिया एंड रशिया बोथ हैव कंडक्टेड मैरिटाइम एक्सरसाइज इंडियन नेवी सिंस एक्सरसाइज सिंस 2003 फॉलोड बाय इंदिरा ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस सिंस 2017. नेक्स्ट एडिशन ऑफ इंदिरा नेवी एक्सरसाइज शेड्यूल्ड टू बी इन विशाखापट्टनम इन दिसंबर 2018. सो न्यू स्पीशीज ऑफ शार्क आइडेंटिफाइड इन इंडियन ओशन. ठीक है, सो न्यू स्पीशीज ऑफ डीप सी शार्क द पिग्मी फॉल कैट शार्क हैज बीन फाउंडेड इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन द फर्स्ट सच डिस्कवरी इन इंडिया सिंस 2011 व्हेन द मैंगलोर हॉर्न शार्क वॉज आइडेंटिफाइड. ठीक है, सो पिग्मी फॉल कैट शार्क इज करंटली नोन फॉर डीप वॉटर्स 200 से 1000 meter डेप्थ एंड हैज अ लेंथ ऑफ अबाउट 65 centimeter. इट इज अ डार्क ब्राउन विदाउट एनी प्रॉप, कोई पैटर्न नहीं रहती है. एक नई शार्क पाई गई है इंडियन ओशन के अंदर और इसको बोला गया है पिग्मी फॉल्स कैट शार्क. प्लीज ध्यान में रखना. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सच डिस्कवरी इन इंडिया सिंस 2011 व्हेन मैंगलोर हाउंड शार्क वॉज आइडेंटिफाइड. तो 2011 के बाद जो आपकी अगली शार्क पाई गई है वो 2018 है. ठीक है, सो द न्यू स्पीशीज वॉज फाउंड ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और जो श्रीलंका के नॉर्थ में मिली. साइंटिफिक नेम है प्लेनोनेसस इंडिकस फ्रॉम प्लेनस मीनिंग फ्लैट एंड नेसस मीनिंग नोज, यानी कि प्लेन फ्लैट नोज समझ लीजिए आप. न्यू स्पीशीज वॉज ऑब्जर्व ऑन 26 अप्रैल 2008 व्हेन इट वॉज कॉट इन फिशिंग नेट्स इन कोची केरला. अगला है आपका 70 feet टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा अनवील्डेड एट राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट. सो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज अनवील्डेड 70 feet tall statue of Lord Buddha at Rajgir in Nalanda district of state. It is the second tallest statue है बुद्धा का हिंदुस्तान के अंदर. Statue has been installed above 16 meter radius pedestal in middle of Lake Ghora Katora. तो कौन से लेक में लगाया गया? लेक घोरा कटोरा के लिए बीच में लगाया गया. ठीक है, घोरा कटोरा is a natural lake surrounded by 5 hills. It has been made from 45,000 cubic foot pink sand stone से बना हुआ है. तो ये पूछा जा सकता है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू टाइप है ये. ठीक है, उसके बाद है आपका उड़ीसा नाउ हैज अ लेक्सिकॉन फॉर रेयर ट्राइबल लैंग्वेजेस. सो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज कम आउट विद लेक्सिकॉन्स ऑफ 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस. ठीक है, सो द बायलैंगुअल ट्राइबल लेक्सिकॉन बेसिकली आपकी डिक्शनरीज को बोलते हैं. ठीक है, सो बायलैंगुअल ट्राइबल डिक्शनरीज विल बी यूज्ड इन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एमएलई इनिशिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एट द एलिमेंट्री लेवल इन ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर. तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी काफी हेल्प करेगा. ठीक है, वहां पर काम करने में. सो बायलिंगुअल ट्राइबल डिक्शनरीज फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड ट्रायलिंगुअल ट्राइबल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मॉड्यूल्स इन ऑल 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस फॉर्मुलेट करा है स्पेशल एसडीसी ने स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल में.
बोथ विल हेल्प इन एफिशिएंसी इन प्रोविंशियल इन ट्राइबल लैंग्वेजेस. तो ओडिशा हैज अ यूनिक प्लेस ऑन द ट्राइबल मैप ऑफ इंडिया फॉर हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज. तो एसटी कम्युनिटी सबसे ज्यादा जो है आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ एसटी कम्युनिटीज वो उड़ीसा में पाई जाती है. ये थोड़ा अच्छा फैक्ट है एमसीक्यू की वजह से. ठीक है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये. ठीक है भाई, किस स्टेट के अंदर है? तो स्टेट इज होम टू 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. तो दीज ट्राइब स्पीक 21 लैंग्वेजेस 74 डायलेक्ट्स. ऑफ द 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस 7 हैव बीन देयर ओन स्क्रिप्ट्स. हाउएवर उड़िया इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द डिक्शनरीज में उड़िया को यूज करा गया है. ठीक है, तो समझ में आ ही रहा होगा आपको सब कुछ. ठीक है, सो इंडियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड इन इंडिया एन इनडेंजर्ड सब स्पीशीज ऑफ हॉक डियर एक्सिस प्रोसेनिकस एनामेटिकस अर्लियर बिलीव टू बी कन्फाइंड टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल थाईलैंड. सो रिसर्चर्स रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ हॉक डियर इन केबुल नामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर. पॉपुलेशन जेनेटिकली रिजेंबल्स एपी एनामेटिकस. ठीक है, तो यहाँ पर आपका हॉक डियर है जो उसको डिस्कवर किया गया है जो इनडेंजर्ड सब स्पीशीज है आपकी हॉक डियर की. तो ये इनडेंजर्ड कौन सा है, क्रिटिकली इनडेंजर्ड कौन सा है, वल्नरेबल कौन सा है, ये जो IUCN की लिस्ट है ये वाली पता होनी चाहिए आपको. ठीक है, कि वो क्रोनोलॉजी क्या है उसकी. ठीक है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक. तो द स्टडी इंडिकेट्स दैट द वेस्टर्न लिमिट ऑफ हॉक डियर मणिपुर है, नॉट सेंट्रल थाईलैंड जो पहले बिलीव करा जाता था. तो सिंस हॉक डियर इज अ लूजिंग हैबिटेट इन अदर कंट्रीज जेनेटिकली डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन फाउंड इन KLNP कंसिडर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और इंडियन म्यांमार बॉर्डर इज सिग्निफिकेंट फॉर कंजर्वेशन. ठीक है, हॉक डियर या फिर जिसको हम पाड़ा भी बोलते हैं, पाड़ा. ठीक है, हॉक डियर और पाड़ा इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज इन IUCN रेड लिस्ट इज प्रोटेक्टेड अंडर स्केड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. और मैं आपसे IUCN की बात ही कर रहा था ना, रेड लिस्ट की. ठीक है, तो स्पीशीज आर लॉस्ट ग्राउंड इन मोस्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज. अ स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन ऑफ अंडर 250 वाज रिपोर्टेड फ्रॉम कैम्बोडिया. हाउएवर इट वाज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, तो टू स्पीशीज ऑफ हॉक डियर हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इट्स रेंज. सो वेस्टर्न रेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड तेराई ग्रासलैंड्स अलोंग द हिमालयन फुटहिल्स फ्रॉम पंजाब टू अरुणाचल प्रदेश. व्हाइल द ईस्टर्न रेस ऑफ हॉक डियर इज फाउंड इन थाईलैंड इंडो चाइना लाओस कंबोडिया एंड वियतनाम. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कमेंट नहीं आ रही है तुम सबकी? हाँ हाँ मयंक ने सही कहा है, ट्राइबल एटलस वाली न्यूज सही है. ओके तो नेक्स्ट है आपकी लीजियन डी ऑनर द लीजियन ऑफ ऑनर. ठीक है, तो द ग्लोबल सॉफ्टवेयर मेजर विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेम जी को मिला है हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड शेवेलियर डी ला लीजियन डी ऑनर द नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर इन बेंगलुरु इन रिकग्निशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन आईटी इंडस्ट्री एंड फिलंथ्रॉफी. सो द लीजियन ऑफ ऑनर इंस्टीट्यूट करा गया था 1802 में बाय नेपोलियन बोनापार्ते. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है गिवन बाय द फ्रेंच रिपब्लिक फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू फ्रांस रिगार्डलेस की आपकी रेसिपियंट की नेशनैलिटी क्या है. नेशनैलिटी के बेसिस पे नहीं दिया जाता है ये. अगर आपकी नेशनैलिटी किसी और देश की भी है तब भी आपको मिल सकता है. देखा जाता है दैट फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू फ्रांस. सो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज द ग्रैंड मास्टर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड. ओके, AERB. सो यूनियन गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड रेनाउंड साइंटिस्ट नागेश्वर राव गुंटूर एज चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड. So it was established in November 1983
टू कैरी आउट सर्टेन रेगुलेटरी एंड सेफ्टी फंक्शन इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी ऑन अ कंट्री साइड बेसिस. ठीक है, सो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बाई एक्सरसाइजिंग पावर्स कन्फर्ड बाई सेक्शन 27 ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 टू कैरी आउट सर्टेन रेगुलेटरी एंड सेफ्टी फंक्शन अदर एक्ट. ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है साइंटिस्ट नागेश्वर राव को चेयरपर्सन बनाया है AERB का. ठीक है, कंट्रीज फर्स्ट आउल फेस्टिवल मनाया गया पुणे के अंदर. तो इंडियन आउल यानी कि उल्लू जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, द कंट्रीज फर्स्ट आउल फेस्ट इज बीइंग वाज हेल्ड बीइंग हेल्ड एट पिंगोरी विलेज इन पुरंदर तालुका ऑफ पुणे. द टू डे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय एला फाउंडेशन एंड एनजीओ वर्क टुवर्ड्स नेचर एजुकेशन एंड कंजर्वेशन विल गिव इन्फॉर्मेशन ऑन कि आपके उल्लुओं को कैसे कंजर्व करा सकता है या आउल को. इट इज द फर्स्ट ऑफ काइंड फेस्टिवल इन द कंट्री. ठीक है, that is being organized with the intention of creating awareness about owl as a bird and debunking numerous superstition associated with it. Okay, so first of kind Indian festival in the country pehli baar hua hai jiske andar owl ki conservation karne ki baat kari gayi hai. Organized with the intention of creating awareness about owl as a bird and debunking numerous superstition associated with it. Okay, ठीक है. सो इंडियन आउल इज प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया. तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल का है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था. फिर आपका कोंकण 18, अगेन अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम 2018 एडिशन आपका गोवा के अंदर हुआ. बायलैटरल कोंकण एक्सरसाइज स्टार्टेड इन 2004 एंड सिंस देन हैज ग्रोन इन स्केल. द एक्सरसाइज इज एम्ड एट डिराइविंग म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड इज इंडिकेटिव कंटिन्यूइंग कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. क्योंकि जितनी भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है बेसिकली जो डिफेंस कोऑपरेशन है दैट इज मोर ऑर लेस पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन भी मान सकते हैं आप इसे. तो बायलैटरल कोंकण जो आपकी कोंकण है, सॉरी नॉट कोंकण, कोंकण बोला था हम, सॉरी कोंकण एक्सरसाइज जो है हुई है आपकी 2004 के अंदर स्टार्ट हुई थी. ठीक है, सो इफ आई हैड सेड कोंकण पहले तो गलत है, कोंकण है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुजरात गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू रीनेम अहमदाबाद एज कर्णावती. ठीक है, so Gujarat government is planning to rename Ahmedabad as Karnavati. Historically the area around Ahmedabad has been inhabited since the 11th century when it was known as Ashawal. So Chalukya ruler Karna of Anilwara modern Pattan had waged a successful war against the Bhil king of Ashawal and established a city jisko Karnavati bola jata hai, jo Sabarmati नदी के किनारे पे बनाई गई. ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट वांट्स टू रीनेम अहमदाबाद एज कर्णावती. तो बेसिकली वो जितने भी आपके जैसे इलाहाबाद का नाम बदला गया और उसके बाद फैजाबाद का नाम बदल गया, अब यहाँ पे सारे नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स करी जा रही है क्योंकि ये मुसलमान नामों पे रखे गए हैं. तो ये तो मतलब काम करने की जगह ये नाम बदलने से आई डोंट नो कितना फर्क पड़ेगा. तो सुल्तान अहमद शाह इन 1411 AD हैड लीड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड सिटी नियर कर्णावती एंड नेम्ड इट अहमदाबाद आफ्टर द फोर सेंट्स इन द एरिया बाय द नेम अहमद के नाम पे. ठीक है, सो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज हैज बीन अनाउंस्ड. डिस्टिंक्शन अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन रिस्टोरेशन ऑफ लामो सेंटर फ्रॉम अ स्टेट ऑफ पार्शियल रुइन एंड लद्दाख दिया गया है. ऑनरेबल मेंशन रेजुवनेशन ऑफ आइकॉनिक राजा भाई क्लॉक टावर एंड रुतनोसी मुलजी जेटा फाउंटेन इन मुंबई अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट इन चाइना. अवार्ड ऑफ एक्सलेंस शीजो चोफ ऑफुने होको फ्लोट चाय ऑफ क्योटा जापान. न्यू डिजाइन इन हेरिटेज कंटेक्स्ट कोसोमा एस्टेट 95 चियांग माई थाईलैंड एंड हार्ट्स मिल पोर्ट एडलेड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, उसके बाद है कंबाला. द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दक्षिण कन्नड़ा एंड उडीपी आर ऑल सेट फॉर कंबाला. तो द रेसेज वुड बी हेल्ड अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंबाला कमेटी. कंबाला क्या है, इट्स अ ट्रेडिशनल फॉर्म नॉन कॉम्पिटिटिव है, ध्यान में रखिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. विद द बफेलो पेयर्स को पेयर में बांधा जाता है टू रेस वन आफ्टर अनदर इन पैडी फील्ड विच इज कंसिडर्ड अ थैंक्सगिविंग टू द गॉड्स फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल फ्रॉम डिजीजेस. तो एक अंबाला ध्यान में रखना, यह अल्टरन कल्चर टाइप चीजें पूछी जा सकती हैं. सो गाइज, ये सारी की सारी जैसी कल सेशन खत्म होगा आई शेयर ऑल दी PDFs ऑल्सो आइदर ऑन दी वेरियस अदर ग्रुप्स जो हमारे हैं और आई पुट द लिंक इन दी कॉमेंट सेक्शन एंड यू कैन डाउनलोड ऑल दी PDFs फ्रॉम देयर. ठीक है, मैं कल डाल दूंगा. सो गाइज थैंक यू वेरी मच, वील कैचअप टुमारो अगेन 6 to 7 एंड डिस्कस द December 2018 करंट अफेयर्स. सो थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय.